Hey guys, assalamualaikum. Can you believe it? I am doing part 2 of Mala's 14th episode. I feel so proud क्योंकि जितना कुछ चल रहा है उसके साथ में मैंने आज दूसरे दिन दूसरी वीडियो में शूट करी हूँ तो मैं बड़ा अपने आप को ना प्राउड फील कर रही हूँ. खैर अब मुझे थोड़ा सा आई एम स्ट्रगलिंग विद द रिव्यू क्योंकि मैं खुद भी बहुत दिनों के वक्फे के बाद रिव्यू करती हूँ. एपिसोड बहुत पहले पढ़ ली थी तो उसको पूरा रिफ़्रेश करती हूँ और जब मैं एपिसोड पढ़ रही होती हूँ तो बहुत सी चीज़ें आपके जहन में उस वक्त आती हैं और अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम दे दें तो कभी कभी वो चीज़ें निकल भी जाती हैं. तो स्ट्रगल ये होती है कि वो पॉइंट्स मैं भूलूँ नहीं, बिकॉज मैं रिव्यू हमेशा जो मेरी फीलिंग्स होती हैं उससे करती हूँ. जब मैं पढ़ रही होती हूँ कोई चीज़ तो जो फर्स्ट थॉट्स मेरे जहन में आ रही होती हैं एज आई एम रीडिंग और वॉचिंग समथिंग आई टॉक अबाउट दैट यू नो, और वो वही होती हैं जो मैं जिनका जिक्र मैं आपसे करी होती हूँ. दूसरा ये कि क्योंकि बहुत दिनों बाद हम पढ़ रहे हैं तो कुछ चीज़ें पीछे की जो मैंने पहले पार्ट वन में भी इस एपिसोड के पार्ट वन के जो रिव्यू था उस पर भी कहा था तो वो मैं इसमें भी मैं स्ट्रगल कर रही थी. आई वाज ट्राइंग टू रिमेंबर थिंग्स एंड आई ट्राइंग टू कि मैं कोई चीज़ को भूलूं नहीं, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी थी. खैर लेट्स स्टार्ट. सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जो सेकेंड पार्ट है एपिसोड 14 का, इट्स जस्ट फुल ऑफ सो मैनी सरप्राइजेज एंड इट्स अमेजिंग कि फिर कुछ चीज़ें जो मुझे बहुत थोड़ी सी ड्रैग लगी, मुझे बोरिंग लगी, जैसे शम्स का पार्ट था दुबई में, जैसे पूरा वो शम्स का पार्ट था और एक और कोई पार्ट था मुझे याद नहीं आ रहा, मैं बताती हूँ भी तो वो. लेकिन आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वो चीज़ें दिखाना ज़रूरी थी टू फिल इन द गैप्स और टू ब्रिंग अस टू सर्टेन पॉइंट्स यू नो, कि शम्स के साथ फिर क्या हुआ और उसके पास एल्बम कहाँ तक कैसे पहुँची और सबरीना के साथ क्या हुआ, सब चीज़ें. तो इट्स अ वेरी स्ट्रेंज यू नो जर्नी ऑफ रीडिंग दीज एपिसोड्स क्योंकि आप मल्टीपल चीज़ों से आई थिंक स्ट्रगल कर रहे हैं कि आप पढ़ना भी चाह रहे हैं, आपको थोड़ी फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है कि यार हम कुछ चीज़ें भूल गए हैं और अब हमें आगे बढ़ना है लेकिन हम क्यों इसी चीज़ पर अटके हुए हैं. लेकिन फिर कुछ चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग भी लग रही हैं, जैसे पूरा जो वो पार्ट है जहाँ पर माहिर के रिकवर होने का प्रोसेस है. It was just so amazing that I don't know how to explain. And I'll tell you one or two things that really affected me there. Okay, let's start. सबसे पहले हमने जितना किया था उसके बाद जहाँ से हमने स्टार्ट करना है वो टाइम है जब वो मोहित को कॉल करती है और मोहित उसे कहता है कि यहाँ तुम हो नहीं और हमें फेस करना पड़ रहा है, तुम तो वहाँ बैठी हुई हो. सो मुझे थोड़ा सा इशू था. आई डिडंट वॉन्ट टू सी दिस साइड ऑफ मोहित. आई अंडरस्टैंड कि बुक जो है, नॉवल जो है, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है जो सोसाइटी का रिएक्शन है वो मोहित के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है. मोहित के थ्रू हमें वो सारी बातें सुनने को मिल रही हैं. लेकिन क्या वो मोहित के थ्रू करने की ज़रूरत थी? क्योंकि पॉजिटिविटी दिखानी चाहिए, हम किसी और तरीके से भी इसको कर सकते थे. एंड मोहित एक वो कैरेक्टर है जो अभी तक काफ़ी पॉजिटिव था. यू कैन बी अ लिटिल सेल्फ सेंटर्ड और यू कैन चूज़ फ्यू थिंग्स अबाउट योर सेल्फ, बट दैट डजंट मेक इट नेसेसरी दैट यू विल बी सेल्फिश थ्रू आउट. एंड येस, ये रियलिटी है, पैसों पे और जायदाद पे भाई बहन चीज़ें चेंज कर लेते हैं. आपकी अपनी फैमिली की इज्जत बहुत इंपॉर्टेंट होती है. लेकिन फिर मैं ये भी देखती हूँ कि आप माला को देखें, माही को देखें, माला माही की अम्मी को देखें, उनकी अपब्रिंगिंग को देखें, तो कहीं ना कहीं अपब्रिंगिंग एक पॉजिटिव अंदाज में मोहित पे भी तो असरअंदाज होनी चाहिए थी. सो मैं एक्चुअली बहुत सैड थी टू सी दीज काइंड ऑफ टॉक्सिक स्टेटमेंट्स कमिंग फ्रॉम मोहित. एंड आई विश दिस वॉज नॉट पार्ट ऑफ द स्टोरी एंड हम कोई और कैरेक्टर ले आते जिसके थ्रू होता. मोहित की बीवी को कर देते मे बी, लेकिन मोहित को मैं सपोर्टिव और पॉजिटिव या एटलीस्ट न्यूट्रल. और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात वो कह रही है कि वो बंदा कातिल है, तो आप अपनी बहन का यकीन नहीं करेंगे? आपकी पढ़ी लिखी बहन है, ये वो बहन है जिसने एक बिजनेस इस्टेब्लिश किया है, हु हैज़ बीन सो इंडिपेंडेंट, हु हैज़ बीन डूइंग सो मेनी थिंग्स. वो सऊदीया से डायरेक्टली वैनकूवर पहुंच गई, कनाडा पहुंच गई, कुछ तो होगा ना. क्या आप कह रहे हैं कि बिल्कुल उसका दिमाग ऑफ हो गया है, वो यू नो शी दैट यू विल नॉट बिलीव हर? सो आई फाउंड दिस टू बी अ लिटिल वीक इन द प्लॉटिंग, इन द स्क्रिप्ट, क्योंकि इन द डायलॉग. तो मैं डायलॉग स्क्रिप्ट ड्रामे देख देख के वो हो जाती हूँ. कहानी में नॉवल की मुझे ये हिस्सा बहुत वीक लगा, क्योंकि अगर तो ये एक सिंपल किस्सा होता ना डाइवोर्स का जहाँ दो लोग आर नॉट एबल टू गेट अलॉन्ग विद ईच अदर, आई वुड हैव अंडरस्टूड दिस रिएक्शन कमिंग फॉर मोहित. बट फॉर मोहित टू से दीज थिंग्स डिस्पाइट नोइंग कि माला क्या कह रही है, माला क्या बोलने की कोशिश कर रही है, वॉज did not make sense to me. क्योंकि वो कह रही है मेरा शौहर कातिल है, तो आप कह रही हैं कि आप माला doesn't have the sense, वो अपने से कहानी बना रही है, वो झूठ बोल रही है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है. और ऐसा अगर होता भी है तो हमें डिफरेंट, हमें बेहतर वैल्यूज़ दिखानी है. तो ये एक चीज़ मुझे थी जो मुझे नहीं अच्छी लगी. एंड एज आई सेड आई डू अंडरस्टैंड दैट
द एम हेयर वॉज टू शो कि जब डाइवोर्स होती है तो एक लड़की को किस किस्म की चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, अपनी फैमिली से भी, करीब के लोगों से भी और दुनिया से भी। जहाँ ये मुझे चीज़ थोड़ी ऑकवर्ड लगी, मुझे कुछ चीज़ें यहाँ इस सीन में अच्छी भी लगी, जो माला का पूरा थॉट प्रोसेस था जो वो कहती है ना, ये डायलॉग मुझे बहुत ज़बरदस्त, क्या चार सदा से लाहौर तक ख़ानदान की हर लड़की जो पढ़ने जाएगी, अपना करियर बनाना चाहेगी, उसको माला की एग्जांपल दी जाएगी, उसको माला की मिसाल दी जाएगी, देखा तुम भी वैसी हो जाओगी, लोग उसकी ज़िंदगी को डिस्कस करेंगे। ऑफ दीज वर द लाइन्स दैट आई फेल दैट यू नो दिस इज़ व्हाट वी आर स्केयर्ड फॉर, वी डोंट वांट आर लाइफ्स टू बी डिस्कस, चाहे आप डाइवोर्स हो, चाहे आप फेलियर हो, चाहे आप जॉब, कुछ भी चीज़ की बात हो, हम अपनी ज़िंदगी को नहीं चाहते कि डिस्कस हो। और ये फियर था माला का जो आप, और ये स्पेशली जिसकी डाइवोर्स हुई हो उसको ज़्यादा होता है क्योंकि टैबू होता है, लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। और कितना प्रेशर है माला के ऊपर कि वो पढ़ी लिखी है, वो जॉब कर रही है, तो ख़ानदान की हर लड़की का फ्यूचर इट्स लाइक कनेक्टेड विद हर। एंड तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें निमरा अहमद ने इसमें हाईलाइट की हैं। एंड दैट ऑल्सो शो मेड मी थिंक अबाउट टू थिंग्स, एक ये कि अगर आप ख़ानदान की पहली लड़की हैं या वो बहादुर लड़की हैं जो डिफरेंट चीज़ें कर रही हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये प्रेशर आ जाता है। बट इवन एज अ वुमन एवरी टाइम यू स्टेप आउट ऑफ द हाउस, यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग श्योर कि बाकी तमाम औरतें जो हैं उनको उनका हक मिल सके, कोई आपकी एग्जाम्पल देख के उनको ना रोक सके, बल्कि आपकी एग्जाम्पल देख के उनको बोले कि वो भी तो कर रही है, तुम भी करो, तुम भी अच्छा करोगी, इज्जत के साथ करोगी और बहुत कामयाब होगी। सो दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस दैट आई थॉट अबाउट थ्रू माला's जर्नी। एक और चीज़ भी थी कि क्या कामयाब इंडिपेंडेंट औरतें घर नहीं बना सकती हैं। ये भी जो औरतें काम कर रही होती हैं, जो लड़कियां जॉब करती हैं, उनके ऊपर एक कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट क्वेश्चन है। अब हो सकता है आपकी अलहदगी या आपके साथ ज़िंदगी में कुछ भी हुआ है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकता है, वो किसी और वजह से हुआ, नॉट बिकॉज के आप जॉब कर रही थी इस वजह से, लेकिन ये एक स्टिग्मा आ गया है, इस तरह एक थॉट प्रोसेस हो गया है जो ये हम लोग अज्यूम करते हैं, विच नीड्स टू चेंज। सो निमरा अहमद ने यहाँ पे बहुत खूबसूरती से ये सब चीज़ों को ना आपको, शी इज़ मेड यू थिंक अबाउट दीज थिंग्स। नाउ आई लाइक इट दैट माला सेज, पूरे इस प्रोसेस के बाद माला कहती है मैं सर्वाइव कर लूँगी, मैं ज़ियाद के बगैर रह जाऊँगी, मैं लोगों की बातें सुन लूँगी, मैं सर्वाइव कर जाऊँगी। आई थिंक दोज वर द ब्यूटिफुल लाइन्स एंड सो अपलिफ्टिंग, एंड शी टुक अस थ्रू अ होल जर्नी टू ब्रिंग अस टू दिस पॉइंट। निमरा अहमद, एज आई सेड, दिस एपिसोड वॉज शॉक आफ्टर शॉक, सरप्राइज आफ्टर सरप्राइज। पहले तो ज़ियाद की अम्मी वहाँ पहुँच गई उसके माला के अपार्टमेंट के नीचे, वो इतना बड़ा शॉक था, इतना डर लग रहा था, एंड ज़ियाद हिमसेल्फ वॉज देयर। आई वॉज लाइक ओ माई गुडनेस, इस बंदे की बहादुरी देखो, इस बंदे की नर्व देखो, आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दिस ये आया, और कैसा चापलूस इंसान है कि जो उसने डायलॉग बोले वहाँ पे कि मुझे माफ़ कर दो, चांस दे दो, मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ। एंड अगेन सेम कि आप अच्छा, फिर कनेक्शन भी देखें, उससे पहले माला इज़ गोइंग थ्रू ऑल दैट प्रोसेस वेयर शी इज़ थिंकिंग के उसको चीज़ें याद आ रही हैं कि ज़ियाद ऐसे कहता है, ज़ियाद वैसे कहता था, और वो ना चाहते हुए भी उसके बारे में सोच रही होती है, तो वो वीकर थोड़ा सा मोमेंट है, एंड देन ज़ियाद शोज़ या आगे पीछे दोनों चीज़ें हो रही हैं। एंड सो द कनेक्शन वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि विल माला गिव इन बिकॉज ऑफ हर दीज फीलिंग्स जो वो सोच रही है, या माला विल स्टे स्ट्रॉन्ग। लेकिन ज़ियाद का वहाँ आना बहुत सरप्राइजिंग था, आई लाइक्ड इट कि ज़ियाद का आना, कभी कभी ऐसा होता है कोई चीज़ जिससे आप डर रहे होते हैं वो चीज़ एक्चुअली आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाती है, और ज़ियाद का आना भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि माला उस फियर से आज़ाद हो गई, उसने कहा कि ये अकेला नहीं है, इसके पीछे कोई और है, इसको किसी जादूगर की का एम्प्लॉई है या किसी जादूगर की हेल्प इसको है, इसीलिए ये कर रहा है, ये खुद से कुछ नहीं है। एंड इट इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट थाट एंड सच ए ग्रेट थाट कि द मिनट यू रियलाइज एनी वन हुज़ बुलिंग यू, एनी वन किसी भी कैपेसिटी में, वो खुद से कुछ नहीं है, वो खुद से कुछ नहीं है, द मिनट यू ब्रिंग दैट पर्सन टू ज़ीरो आपका खौफ ख़त्म हो जाता है, उस बंदे की पावर ख़त्म हो जाती है। हमारे ऊपर पावर लोगों की इसलिए होती है क्योंकि हम खौफ ज़्यादा हो जाते हैं। जिस दिन हम किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप, किसी भी टॉक्सिक इन्वायरमेंट में अपने आप को फियर से निकाल लेंगे ना, उस दूसरे इंसान को जो बुली कर रहा है उसको ज़ीरो कर देंगे, तो आप निकल जाते हैं। बिन कम्यूनिटी एंड कोचिंग की बात की, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। यहाँ पे खाला का फ़ोन आया, वो मुझे अच्छा लगा कि बहुत से अगेन रिप्रेजेंटिंग द सोसाइटी के किस तरह लोग आते हैं विदाउट थिंकिंग, या वो लड़की अभी निकली है डाइवोर्स से, यू थिंक शी इज़ रेडी टू मैरी एनीवन, एंड वो बहुत इंटरेस्टिंग था। अच्छा, ज़ियाद का खौफ
और उसका खौफ और ज़ियाद की यादें जो उसको आ रही हैं जो मैंने मेंशन किया, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ। मुझे अच्छा लगा कि आप खौफज़दा हैं और वो छोटी छोटी चीज़ें दिखा रहे हैं कि वो चलते चलते मुड़ के देखती है उसको, यू नो, एकदम से जिटरी हो जाती है। लेकिन जो ज़ियाद की यादें थी ना, वो मैं अभी तक स्ट्रगल कर रही हूँ कि क्या अगर आपको पता हो कि एक इंसान ने आपके साथ इतना बुरा किया है और वो कातिल है, और तो फिर भी क्या आप उसके बारे में यादें आपको उसकी सताती रहेंगी? तो मैं ये क्वेश्चन करती हूँ। ठीक है, ज़ियाद का मिलना, दैट वाज इंटरेस्टिंग, एंड देन इट फ्रीड माला ऑफ द प्रेगनेंसी, अनदर शॉक। समहाउ आई वाज एक्सपेक्टिंग, लेकिन क्योंकि कुछ एपिसोड्स पहले दिखा दिया था दैट शी स्टार्ट्स टेकिंग बर्थ कंट्रोल पिल्स, सो आई वाज सरप्राइज के ये भी होना है। बट मुझे कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ माय माइंड था, क्योंकि बार बार सरकार बात करती थी, तो ये डेफिनेटली था कि, और मे बी दिस हैज़ टू हैपन फॉर माला टू रियलाइज कि उसको हलाल की मदद क्यों करना ज़रूरी है। एक मैंने पोस्ट की थी अपने इंस्टाग्राम पे जो मेरा बुक वाला है, कि क्या माला ने हलाल के बारे में नहीं बताया, हलाल के बारे में नहीं बताया माहिर को, तो वॉज शी रॉन्ग, राइट? मैंने ऐसा कुछ बोला था, तो बहुत सी इंटरेस्टिंग नीचे कॉन्वर्सेशन हुई थी। आई एक्चुअली फील, मुझे थोड़ा माला से शिकवा है कि ठीक है, ज़िंदगी में दुख हैं वो हैं, लेकिन माहिर बार बार तुमसे मदद मांगा था, हिलाल मदद मांग रही थी, तो माला शुड हैव हेल्प्ड हर। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बिलोंग करती हूँ। सो मे बी अब ये सब कुछ होगा तो अब क्योंकि उसके जहन में भी आया कि मैं मालूम करूँगी कम्यूनिटी में ऐसी और कौन सी औरतें जिनके ऊपर जादू हुआ है, जिनको ऐसी चीज़ें हो रही हैं, फिर हम मिल के शायद हम हिलाल को भी, मैं हिलाल को भी ढूंढने में मदद कर सकूँ, तो दिमाग उसमें आ गया है। अच्छा, अब वहाँ से हम जाते हैं कि वो आता है कि वो माही से कहती है कि नहीं, मैं उससे डाइवोर्स नहीं लूँगी और मैं जा रही हूँ किसी से मिलने, और वो सारा होता है। अब वहाँ पहुँचते हैं आप उस पॉइंट पे जहाँ आपको पता है कि वो किसी से मिलने जा रही है, एंड देन द स्टोरी टेक्स यू टू 3 years बैक एंड यू गेट रियली फ्रस्ट्रेटेड। मैं देख लूँ कि मैंने सही किया है या मैंने कुछ पॉइंट बीच में छोड़ दिए हैं, और मैं शायद ओके हाँ, बट मैंने वो बात ऑलरेडी कह दी है कि उसको पूरा उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, सॉरी, जो माही का सुतेला बाप होता है उसका पूरा सीन था कि कैसे वो दुबई जाता है, वो मुझे, मैंने लिटरली स्किम किया बिकॉज आई वॉन्टेड टू, और मुझे उस वक्त समझ नहीं आ रही थी कि ये सीन क्यों दिखाया जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा मुझे एपिसोड ड्रैग लगी थी यहाँ पे। माहिर और जिन्नात का सीन वॉज वेरी स्केरी जब वो एयरपोर्ट पर पहुँचता है और उसको वहाँ पर वो लोग नज़र आते हैं। उसके बाद मीटिंग बदर, यस, अब आ गए हम, यस, मैं सोची थी मैं क्या भूली, आई एम फॉरगेटिंग अबाउट द होल इंसिडेंट जहाँ पे वो साइन बोर्ड रखना भूल जाती है, वो भी मैं बहुत तेज़ी से पढ़ी थी बिकॉज आई लाइक पहुँचे ना पॉइंट पे, पॉइंट क्या है, ठीक है, साइन बोर्ड उसने नहीं रखा, उसे कस्टमर गिर गई है, अब क्या होगा, पूरा उसका वकील का आना, सब कुछ, फिर वो कार्डेशियंस की पूरी बात, आई एम अ लिटिल कन्फ्यूज दैट वाई वॉज दैट इंक्लूडेड, वाई वॉज इट जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस, हाउ वट इज़ इट, वॉट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड, हाउ इज़ इट अफेक्टिंग अस, इज़ निम्र अहमद कॉलिंग, ट्राइंग टू मेक अस सी समथिंग, जो हमारी सोसाइटी में भी कुछ ऐसा हो रहा है, मैं नहीं समझ पाई, मेरे लिए वो थोड़ा एक तो शौक भी था, मैं, मुझे इस चीज़ का पता नहीं था जो पूरी उन्होंने डिटेल लिखी, कैसे गोरी औरतें जो हैं वो दे आर गोइंग ऑन अ स्पेसिफिक, यू नो, मिशन के वो सियाफाम मर्दों से शादी करती हैं, तो मुझे वो चीज़ मुझे नहीं मालूम था ना, सॉरी, शायद मैं दूसरे लोगों को बताऊँ, तो वो इंटरेस्टिंग नहीं था पढ़ना, बट देन आई एम इन द मिडल ऑफ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ट्रैक, तो आई एम आस्किंग मुझे ये क्यों पढ़ने की ज़रूरत है, मे बी ये कहीं और होता, यहाँ पे मुझे ही ना ये सब डिस्ट्रैक्शंस लग रही हैं, आई डोंट वांट टू रीड ऑल ऑफ दिस, यू नो, आई डोंट वांट टू रीड अबाउट दिस होल साइन बोर्ड थिंग, जो आई अंडरस्टैंड वॉज बिकॉज के माला को उस पॉइंट पे लाना है जहाँ उसको पैसों की ज़रूरत है, वो मोहित से जायदाद के लिए मुतालबा करेगी, या वो इतनी डर और खौफ में चली जाएगी, या वो इतनी ज़्यादा घबरा जाएगी कि वो आगे जो बॉडीगार्ड हायर करने वाली बात है उस पर वो सारा करेगी, तो आई, जब आप अगली एपिसोड पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा बहुत समझ आता है, यहाँ मैं फ्रस्ट्रेट हो रही थी। ओके, नाउ व्हेन वी आर राइट देयर, माला पहुँच जाती है कि उसने उसको देखा और वो कहती है कि मैं धोखे में नहीं आऊँगी, यू गो बैक टू 3 years पुराना बात चले जाते हैं, विच वॉज अगेन वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी एज आई सेड इट। लेकिन हम आते हैं अब, कहानी इंटरेस्टिंग थी कि आपको पता चला कि माहिर वॉज एडमिटेड, एंड इट्स वेरी सैड, इट वॉज वेरी वेरी सैड टू सी दिस साइड ऑफ माहिर, क्योंकि आपने माहिर को हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग देखा, माहिर तो हमारे हीरो हैं ना, वो तो हमेशा हर चीज़ कर लेते थे, किसी के बस में नहीं आते थे, एंड देन टू सी दिस साइड जहाँ वो रो रहा है, उसको दौरे पड़ रहे हैं, वो उसकी हालत ख़राब है, वो बहुत मुझे लगा बहुत ट्रैजिक था, बट देन आई ऑल्सो लाइक्ड इट कि माला में निम्र अहमद हमें कैरेक्टर्स दे रही हैं जो परफेक्ट नहीं है, जिनके ग्रे साइज हैं, या वो
हीरो इन ट्रू सेंस नहीं है दैट वो जो आर्टिफिशियल है उनके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता, वो हमेशा पावरफुल और जीतते रहते हैं. नहीं, यहाँ पे एक बंदा है जिसकी एक पूरी जर्नी हुई है, जिसकी जिसकी बॉडी पे स्कार्स हैं, जिसकी सोल पे स्कार्स हैं, एंड उस बंदे के अपने भी डीमंस हैं. सो आर हीरो इज़ नॉट परफेक्ट एंड विच इज़ अमेजिंग, बट ही इज़ अ नाइस गाय. अगेन एक और चीज़ भी है कि शी इज़ आस्किंग कि हाउ हम लोग किस तरह लोगों को जज करते हैं, या वो लोग जिनकी कोई ना कोई मेंटल हेल्थ हिस्ट्री हो उनका ज़िंदगी में सर्वाइवल, उनको के साथ हमेशा स्टिग्मा लग जाता है. वी डोंट गिव देम अ चांस. जो माहिर का खौफ है वो यूके वापस इसीलिए जाके वहाँ नहीं रहता, ही मूव्स टू टर्की बिकॉज ही वॉन्ट्स टू स्टार्ट फ्रेश, यू नो. तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी. शम्स का पार्ट, आई वॉज शॉक दैट सियाद वॉज ठीक है. एक और शौक जो हमें मिला वो ये पता चला कि ज़ियाद को सबरीना पसंद आ गई हैं, सबरीना से उनकी मुलाकात होती है, विच वॉज अ कम्प्लीटली समथिंग आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल. तो और ज़ियाद की भी एक सॉफ्ट साइड दिखाई विच वॉज इंटरेस्टिंग. तो ये इस तरह के शौक जो है ना वो निमरा अहमद हमारे ऊपर फेंकती रहती है. जब सबरीना मुलाकात करने जाती है माहिर से तो उसको कलर्स देती है, ही पिक्स अप अ रेड कलर, ही मेक समथिंग. एंड वो एक फिर मुझे ख्याल आया, यू रिमेंबर जो उसने बिल्डिंग बनाई है टर्की में माहिर ने, वो रेड कलर की है. सो व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन द रेड कलर ही पिक्स अप एंड द रेड बिल्डिंग दैट ही हैज़ मेड. और बाद में भी जब यास्मीन उससे मिलने जाएगी तब भी वो रेड बिल्डिंग ही बना रहा है. सो आई एम क्वेश्चनिंग, मुझे आई एम मिसिंग समथिंग हेयर, तो मुझे बड़ा लगा. अच्छा फिर यास्मीन पेट्रोवा, मैं बड़ी मुश्किल से उनके नाम को आई होप मैं सही लफ्ज़ बोल रही हूँ, उनका इंट्रोडक्शन हुआ विच वॉज अगेन वेरी गुड. सी आई लाइक इट कि यहाँ पे सॉलिड स्टोरी हमें दी जा रही है. ऑल दो वी आर फ्रस्ट्रेटेड कि हमें 3 साल पीछे लेके जा रहे हैं, बट स्टोरी बहुत सॉलिड है कि पूरा उन्होंने एक दिखाया कि ये ऐसा नहीं है कि आसानी से अगर किसी के ऊपर जादू हुआ हो तो उसको आप हल कर सकें, बल्कि जादू निकालने का किसी के जिस्म से या जिन्नात को निकालने का एक पूरा प्रोसेस है. इट्स अ वेरी सीरियस थिंग एंड इट हैज़ टू बी डेल्ट विद सीरियसनेस. तो उन्होंने एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जो हु इज़ नॉट अ मुस्लिम, एंड अगेन आई लाइक इट कि उन्होंने डिफरेंट रिलीजन के लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया हुआ है. अगेन इट ओपन्स योर माइंड, इट मेक्स यू मोर टॉलरेंट, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है. तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा. पूरा जो वो प्रोसेस था वो बहुत ही ज़्यादा स्केरी था कि ऐसा होता है. एंड आई लव्ड इट दैट शी वेंट थ्रू ईच एंड एवरी डिटेल. और वो पूरी बात करती है यास्मीन माहिर से कि वो भी गुलाम है तुम्हारी तरह. पूरा उन्होंने प्रोसेस बताया कि किस तरह होता है. एंड वो जो ज़ोर से उसे कहता है कि तुम उससे नहीं डरो, तुम अल्लाह से डरो, सिर्फ अल्लाह तुम्हारा है. एंड वो जो ऊंची ऊंची आवाज़ें बोलता है ना, इट मेड मी थिंक आई वाज लाइक, जब हम मायूस होते हैं और हमें आके शैतान बहकाता है ना, तो मे बी हमें भी कहना चाहिए कि हम सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं. मैंने एक्चुअली ये करना शुरू किया. सो दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ हाउ यू नो जो स्ट्रॉन्ग राइटिंग होती है, स्क्रिप्ट होती है, दिस इज़ हाउ इट मेक्स यू थिंक अबाउट अदर थिंग्स, यू नो, इट टेक्स यू इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, इट गिव्स यू आइडियाज़, इट गाइड्स यू. एंड दिस इज़ हाउ इट दिस होल सीन, एक तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था पढ़ने में, एंड हैट्स ऑफ टू निमरा अहमद फॉर pulling it off in such a creative way. मैं तुम्हें अल्लाह के नाम पे आज़ाद करता हूँ. It was very very powerful. एंड फिर अच्छा फिर यहाँ पे वो पूरा दिखा रहे हैं कि नगीना बेगम जो है वो हांडी का जादू करना शुरू करती हैं, यहाँ पे माहिर जो है वो जिन्नात से लड़ रहा है, ऊँची ऊँची आवाज़ें बढ़ रहा है. एंड देन यू आर लाइक, जीतेगा, हारेगा, क्या होगा, क्या जादू कामयाब हो जाएगा, वॉट विल हैपन, सो मेनी थाट्स आर गोइंग इन योर माइंड. एंड ऑफकोर्स थैंक गॉड माहिर जीत जाता है, माहिर मैनेजेस टू गेट रिड ऑफ दोज जिन्नात, एंड एट द एंड ब्लड कैंसर हो जाता है उनको. सो एवरीथिंग वॉज टेकन इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे, बहुत एक्साइटिंग था. फिर सबरीना जो है वो जब डायरी लेने जाती है शम्स के, नाम याद आ गया, शम्स के कमरे से, वो बहुत अगेन आई लव इट हाउ शी हैज़ रिटन. इधर सबरीना जा रही है, इधर शम्स बाहर निकला है, शम्स को ख्याल आया, सबरीना ने वो खोला है, लॉकर खोला है, वो ढूंढ रही है, शम्स वापस आ रहा है. एंड यू लाइक, क्या होगा, क्या पकड़ी जाएगी, वो पकड़ लेगा, नहीं होगा, भाग जाएगी, क्या मिला उसको, वट इज़ इट दैट शी वॉन्ट्स टू सी. मैंने भी अच्छा प्रेजेंट किया, मेरी आवाज़ में भी वो सारी एक्साइटमेंट और थ्रिल आ गया. इट वाज लिटरली लाइक मैं ऐसे ऐसे पढ़ रही थी एंड मैं ऐसे बैठी हुई थी. एंड ऑफ कोर्स शी मैनेजेस टू गो आउट एंड शी गेट्स द डायरी, दैट एल्बम जो हमें बाद में, जो हमें डे वन से पता चल रही है. अगेन कितना इंटरेस्टिंग है कि वो डे एपिसोड वन में जो हमने चीज़ पढ़ी वो यहाँ आके अब हमें पता चल रही है उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी इंपॉर्टेंस. सरकार को सब पता है कि शम्स के दिमाग में भी क्या चल रहा है, सरकार को सब पता है कि ज़ियाद के दिल में भी क्या चल रहा है, कि वो सबरीना के साथ इन्वॉल्व होता जा रहा है. एंड फिर आप ये भी सोचते हैं कि यार क्या ये वाकई उसको मार देगा या नहीं मार देगा, वो आपको एपिसोड 15 में पता चलता है. अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आई डोंट वॉन्ट टू स्पॉइल इट फॉर यू. लास्ट पेज,
यहाँ से माही निकल रहा है अपने घर से कि उसको ब्लड ड्रॉप्स जाए, यहाँ से माही निकल रही है, सॉरी माला निकल रही है, यू आर थिंकिंग दे आर बोथ गोइंग टू मीट ईच अदर. माला ने पहले कैफ बोला आप, एंड आई यू एंड सॉरी मे बी शायद मैं थोड़ी कम इंटेलिजेंट रीडर हूँ. जब उसने शुरू में ही जब टुवर्ड्स दी आई थिंक मिडल वो कहती है ना कैफ, तो मैंने सोचा कि माहिर को कैफ क्यों बुला रही है. मुझे अभी भी हिट नहीं किया था कि ये वो कैफ है. आई रियली डिडंट रियलाइज इट. ये लास्ट एपिसोड के लास्ट फेज पे जब वो कहती है ना कैफ और वो लिखा हुआ था सफूरा का कज़न, आई वाज लाइक ओ अच्छा तो वो माहिर से मिलने नहीं आई है और इधर माहिर मिलता है किससे, सबरीना से. सो अमेजिंग अमेजिंग जर्नी. इट्स अ ग्रेट थिंग दैट निम्रा अहमद हैज़ दिस पावर टू कीप अस इंगेज्ड, कीप अस हुक्ड एंड कीप सरप्राइजिंग अस. और वो बोर नहीं होने देती हैं. कहीं कहीं थोड़ा मैं डिसएग्रीमेंट कर रही हूँ उनकी कुछ प्लॉट से, कुछ पॉइंट से, बट ओवरऑल ऐसी कहानी है जो आपको अगेन यू नो इट स्पिरिचुअली फीड्स यू, इट स्पिरिचुअली इन्हांसेस यू. आई फील यू नो मैं तो जब उठी तो मैं एक अलहदा ही मोड में थी एंड आई वाज लाइक वाओ कितनी, मतलब आपको बड़ी फुलफिलमेंट का एहसास होता है पढ़ के. इट्स नॉट वन ऑफ दोज बुक्स जब आप उठें तो अच्छा आप कुछ ख्वाब देख रहे हैं और आप यहाँ अच्छा फीलिंग थी. व्हेन यू गेट अप यू एक्चुअली आप फीलिंग के वाह हमने कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ा है, आज हमने कुछ सीखा है, कुछ समझ में आया है. एंड उसके साथ साथ यू हैव बीन एंटरटेन्ड, आपको स्टोरी बड़ी मज़े की लग रही है, आप एक्साइटेड भी हैं एंड क्यूरियस भी हैं कि आगे क्या होगा. सो दैट इज़ ऑल. आपके क्या व्यूज़ थे, डू यू एग्री विद मी, व्हाट वर योर रिएक्शंस, व्हाट वाज द बिगेस्ट सरप्राइज इन द 14th एपिसोड फॉर यू गाइज. बहुत कुछ हुआ, नगीना प्रेगनेंसी, ज़ियाद आ गया, सबरीना जिंदा है, फॉर ऑल यू नो दैट वाज जस्ट सच अ शॉक एंड आई एम हैप्पी आल्सो बिकॉज आई वाज सो सैड कि सबरीना को कुछ हो गया है. तो विच वन वाज द बिगेस्ट शॉक फॉर यू गाइस, आई वांट टू नो दैट. दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड. होपफुली इंशाल्लाह एपिसोड 15 का रिव्यू जल्दी आएगा, बट अगेन इन टू पार्ट्स. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.